एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा. द एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा इज द वन ऑफ द पावरफुल मैकेनिज्म टू हैंडल द रन टाइम एरर्स सो दैट नॉर्मल फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन कैन बी मेंटेन. ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या होगा, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम लोग रन टाइम्स एरर को हैंडल करेंगे. ठीक है, कंपाइल टाइम एरर्स जो होते हैं उसको हम लोग कंपाइलर के थ्रू हम लोग बिफोर रन, मतलब वो हम लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रन टाइम में हम लोग उसको कैसे हैंडल कर सकेंगे. ठीक है, क्योंकि जब भी कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय किया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, कंपाइल करने के बाद वो रन होता है. ठीक है, मतलब पूरा का पूरा एप्लीकेशन रन मोड पे होता है. ठीक है, कंपाइल मोड पे नहीं होता और रन मोड पे होता है. तो हम लोग वहां पे कोई भी अगर एक्सेप्शन आता है, मीन्स उसमें कोई भी रन टाइम पे एरर आता है, तो हम लोग उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं. ठीक है, वहाँ पे ऐसा तो नहीं कि रन टाइम पे हम लोग कोड्स को ओपन किए, वहाँ पे जाके करेक्ट किए, फिर से रन किए, वो ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है. ठीक है, तो रन टाइम पे हम लोग उसको हैंडल बस कर सकते हैं. ठीक है, उसको करेक्ट नहीं कर सकते लेकिन हैंडल जरूर कर सकते हैं. ठीक है, तो यही चीज हम लोग देखते हैं इस एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक में. तो सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं व्हाट इज एक्सेप्शन. इसकी डिक्शनरी मीनिंग है, एक्सेप्शन इज एन एबनॉर्मल कंडीशन. एक्सेप्शन इज एन एबनॉर्मल कंडीशन. किसी भी एक एबनॉर्मल कंडीशन को हम लोग एक्सेप्शन बोलते हैं. कोई भी ऐसा कंडीशन जिसको हम लोग चाह के भी हम लोग उसको ओवरकम नहीं कर सकते. जैसे कि मान के चलो कोई भी नंबर को हम लोग जीरो से डिवाइड करते हैं. ठीक है, कोई भी नंबर को अगर हम लोग जीरो से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा. इनफाइनाइट को हम लोग कंप्यूटर के टर्म्स में डिफाइन नहीं कर सकते. ठीक है, अगर किसी भी नंबर को हम लोग डिवाइड कर देंगे जीरो से, तो जनरली उसमें कोई मतलब नहीं है, मीन्स उसका आउटपुट कुछ नहीं आने वाला. ठीक है, कोई भी नंबर को हम लोग जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है, तो इस प्रकार के कोई एक एबनॉर्मल कंडीशन जब आती है तो उस केस पे क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल फ्लो होता है, जो भी नॉर्मल फ्लो जो एप्लीकेशन का होगा या फिर किसी भी प्रोग्राम का होगा, वो डिस्टर्ब हो जाता है. ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सेप्शन. एक्सेप्शन मतलब होता है कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन जो भी हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है उसके बीच में कभी भी आ सकता है वो. ठीक है, तो उसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, इन जावा एन एक्सेप्शन इज एन इवेंट दैट डिसरप्ट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम. इट इज एन ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन एट रन टाइम. ठीक है, जावा में एक्सेप्शन एक ऐसा इवेंट होता है जो नॉर्मल फ्लो को डिसरप्ट कर देता है, मीन्स डिस्टर्ब कर देता है. ठीक है, जनरली एक्सेप्शन एक ऑब्जेक्ट होता है. एक्सेप्शन क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, वो जैसे ही एरर आता है वो थ्रो करता है, फेंकता है वहां से. ठीक है, लेकिन वो सारा प्रोग्राम, सारा चीज जो है, इवेंट जो है, वो रन टाइम पे होता है. वो कंपाइल टाइम पे हम लोग को ये एरर नहीं पता चलेगा. ठीक है, क्योंकि जो एक्सेप्शन होते हैं वो जनरली कोई लॉजिकल एरर होंगे या फिर कोई जो नॉर्मल फ्लो है और वो वहाँ पे वैल्यूज कुछ और मिल जाए. ठीक, जो वैल्यूज एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वैल्यूज हम लोग कुछ और डाल दें. ठीक है, तो उस केस पे क्या होगा, जो इवेंट ऑकर होगा वहाँ पे, ठीक है, वो नॉर्मल नहीं होगा. ठीक है, हो सकता है वहाँ पे हम लोग कुछ भी इनपुट करते समय 10 की जगह 1 छोड़ दिए, 0 डाल दिए. ठीक है, या फिर हम लोग जो क्लास नेम वहाँ डाले वो है ही नहीं. ठीक है, कुछ इनपुट आउटपुट से रिलेटेड कुछ भी होगा तो हम लोग वहाँ पे जो इनपुट लेना है वो दे ही नहीं पा रहे इनपुट. ठीक है, या फिर जो आउटपुट वहाँ से हम लोग को जनरेट करवाना है वो आउटपुट ही जनरेट नहीं हो रहा है. ठीक है, जो भी SQL क्वेरीज वगैरह हम लोग उसमें चला रहे हैं तो हो सकता है SQL क्वेरी में कोई फॉल्ट हो. ठीक है, ऐसे बहुत सारे यहाँ कंडीशंस होते हैं. ठीक है, तो उसका क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट रहता है, उस ऑब्जेक्ट वो अपना थ्रो करता है. ठीक है, यही होता है एक्सेप्शन. वॉट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग? एक्सेप्शन हैंडलिंग इज ए मैकेनिज्म टू हैंडल रन टाइम एरर्स सच एज क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन,
SQL exception, remote exception, etc. ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें हम लोग बहुत सारे रन टाइम एरर्स को हम लोग हैंडल कर सकते हैं. ठीक है, जैसे क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, IO एक्सेप्शन, SQL एक्सेप्शन, रिमोट एक्सेप्शन. ठीक है, जैसे क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन की अगर हम लोग बात करें, तो अगर मान के चलिए हम लोग कोई क्लास में किसी क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग बना दिए लेकिन वो क्लास है ही नहीं. ठीक है, तो हम लोग को एक रन टाइम पे एक एरर मिलेगा, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन. ठीक है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन में भी वैसे ही होता है कि जैसे कि अगर हम लोग कोई इनपुट ले दे रहे हैं या फिर कोई आउटपुट हम लोग जनरेट कर रहे हैं, वो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जिससे वो इनपुट नहीं ले पा रहा है. ठीक है, या फिर जो इनपुट है वो सही नहीं है. ठीक है, तो उस केस पे IO एक्सेप्शन अपना ऑब्जेक्ट थ्रो करेगा. ठीक है, SQL एक्सेप्शन में जो SQL क्वेरीज लगाए हैं, ठीक है, हो सकता है उसमें जो फील्ड्स हम लोग लिए हैं वो फील्ड्स हो ही ना वहाँ पे. ठीक है, या फिर जो हम लोग वहाँ पे SQL क्वेरी चला रहे हैं उसमें कुछ हम लोग कंडीशंस लगाए हैं, ठीक है, वो कंडीशन वहाँ पे है ही नहीं. ठीक है, इस प्रकार से भी वहाँ पे हम लोग को रन टाइम एरर देखने के लिए मिलता है. ठीक है, कभी कभी SQL एक्सेप्शन में जैसे मान के चलिए डेटाबेस में हम लोग कनेक्शन किए, ठीक है, वो कनेक्शन स्टेब्लिश ही नहीं कर पा रहा है. ठीक है, तो उस टाइप के वहाँ कंडीशंस हो सकते हैं, ये सारे SQL एक्सेप्शन में आते हैं. तो बहुत सारे एक्सेप्शन पहले से अवेलेबल होते हैं. ठीक है, हैंडल करने के लिए बहुत सारे पहले से एक्सेप्शन के लिए क्लासेस यहाँ पे दिए हुए हैं. ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या है? द कोर एडवांटेज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इज टू मेंटेन द नॉर्मल फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन. एन एक्सेप्शन नॉर्मली डिसरप्ट द नॉर्मल फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन, दैट इज वाई वी यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग. ठीक है, तो अगर मान के चलो कि हम लोग कोई भी नॉर्मल फ्लो चल रहा है, ठीक है, उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, ठीक है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रन टाइम पे ही हैंडल कर सकते हैं. ठीक है, तो यही सबसे मेन एडवांटेज है इसका, कि जो भी एबनॉर्मल फ्लो होगा उसको क्या करेगा, वो नॉर्मल फ्लो में चेंज करेगा. ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक सिनारियो देखते हैं. यहाँ पे हम लोग 10 स्टेटमेंट ले लिए हैं. ठीक है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है, अब मान के चलो कि 1 से लेके 4 तक तो नॉर्मली जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया. ठीक है, अब फिफ्थ स्टेटमेंट में एक्सेप्शन आ गया. फिफ्थ स्टेटमेंट में क्या हुआ? एक्सेप्शन आ गया. ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्सेप्शन आया है, ठीक है, स्टेटमेंट 5 में, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको हैंडल करेंगे और कंटिन्यूसली फिर से जो भी स्टेटमेंट्स होंगे उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे. ठीक है, यहाँ पे देखो, सपोज देर आर 10 स्टेटमेंट्स इन योर प्रोग्राम एंड देयर ऑकर्स एन एक्सेप्शन एट स्टेटमेंट 5. एक्सेप्शन कहाँ पे आया है? स्टेटमेंट 5 में एक्सेप्शन आया. ठीक है, द रेस्ट ऑफ द कोड विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, दैट इज 6 to 10 विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड. ठीक है, 5 पे एक्सेप्शन आया, 6, 7, 8, 9, 10 एग्जीक्यूट नहीं होंगे. ठीक है, अगर हम जब तक इसको हैंडल नहीं करते हैं, क्योंकि कंपाइल टाइम पे ये नहीं हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है? रन टाइम पे हो रहा है. ऐसा मान के चलो बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, ठीक है, वो लाइव चल रहा है. ठीक है, लाइव चलते चलते उसमें कोई एरर आया है. ठीक है, अगर मान के चलो कोई भी हमने एप्लीकेशन बनाया, उसमें 10 स्टेप्स हैं यहाँ. ठीक है, 10 स्टेप्स फॉलो करेगा तो आउटपुट जनरेट करेगा. ठीक है, तो 4th स्टेप तक तो चल गया वो, 5th स्टेप में उसको एक्सेप्शन मिल गया. ठीक है, 5th में जब एक्सेप्शन मिल जाएगा तो 6, 7, 8, 9, 10 तक वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो जब तक 5th हैंडल नहीं होगा वो आगे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा. ठीक है, इफ वी परफॉर्म एक्सेप्शन हैंडलिंग द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, That is why we use exception handling in Java. ठीक है, अगर हम इस exception को handle कर लेते हैं, ठीक है, तो 5th वाला भी step execute होगा, 6th भी execute होगा, 7, 8, 9, 10 सभी के सभी step execute होंगे. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे exception को handle करते हैं कि run time पे हम लोग अपने program को संभाल सके. ठीक है, अगर run time पे अगर कोई error आता है तो हम लोग वहाँ code
ओपन करके वहां पे हम लोग करेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक हायरार्की होती है, हायरार्की जावा एक्सेप्शन क्लास की। एक्सेप्शन जनरली क्या होता है, एक्सेप्शन जनरली क्या होता है, ऑब्जेक्ट रन टाइम में आने वाले। तो जावा डॉट लैंग डॉट थ्रोएबल क्लास इज द रूट क्लास ऑफ जावा एक्सेप्शन हायरार्की। ठीक है, जावा डॉट लैंग डॉट थ्रोएबल, थ्रोएबल एक ऐसा क्लास है जो एक रूट होता है जावा एक्सेप्शन हायरार्की का। हायरार्की मीन्स एक क्लास है, फिर फर्दर दो क्लास में डिवाइड, फिर फर्दर डिवाइड होते जाएगा, इस टाइप से वो डिवाइड होते जाएगा। ठीक है, विच इज इनहेरिटेड बाई टू सब क्लासेस, एक्सेप्शन एंड एरर। ठीक है, थ्रोएबल जो क्लास है वो दो सब क्लास में डिवाइड होता है, एक्सेप्शन एंड एरर। ठीक है, जो हायरार्की है वो हम लोग देखते हैं कैसी हायरार्की है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आता है जो क्लास है हमारा थ्रोएबल। ठीक है, थ्रोएबल क्लास है। अब ये थ्रोएबल क्लास जो है वो दो क्लास में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एक होता है एक्सेप्शन, दूसरा होता है एरर। फर्स्ट होता है एक्सेप्शन, दूसरा होता है एरर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस एरर को देखते हैं, एरर क्या है। ठीक है, एरर जो है फर्दर डिवाइड होता है तीन दूसरे दूसरे क्लासेस में। ठीक है, फर्स्ट क्लास है स्टैक ओवरफ्लो एरर, सेकंड है वर्चुअल मशीन एरर, थर्ड आता है आउट ऑफ मेमोरी एरर। ठीक है, जो ये एरर्स होते हैं ये सिस्टम से रिलेटेड एरर्स होते हैं, इसको हम लोग हैंडल नहीं कर सकते रन टाइम पे। ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो एरर मींस हमने जो स्टैक बनाया है, मान के चलिए कोई भी एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर हमने बनाया है जिसका जो भी उसमें एलिमेंट्स डालने थे वो पूरे भर चुके हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए हम लोग ने एक ओरेकल में एक टेबल बनाया। ठीक है, टेबल में हम कुछ डेटा वहां पे फीड कर रहे हैं। ठीक है, वो टेबल जो है वो डिपेंड करता है कंप्यूटर की मेमोरी साइज पे। ठीक है, मीन्स वहां पे वर्चुअल मेमोरी वो कितना ले सकता है। ठीक है, या फिर जो हार्ड डिस्क में वहां पे स्टोर कर रहा है वो कितना डेटा ले सकता है। ठीक है, एक पॉइंट के बाद क्या करता है, वो डेटा अपने पास स्टोर करना बंद कर देता है। ठीक है, तो वहां पे जो वो स्टैक है, ठीक है, जनरली वहां पे जो एसक्यूएल टेबल में, मतलब जो ओरेकल के टेबल में जो डेटा स्टोर होता है वो स्टैक में स्टोर होता है। ठीक है, वो स्टैक को रिवर्स किया जाता है वहां पे। ठीक है, स्टैक को रिवर्स किया जाता है। ठीक है, तो स्टैक में वो एक के बाद एक के बाद एक स्टोर होते जाता है। ठीक है, अगर मान के चलो वो ओवरफ्लो हो गया, मीन्स जितनी मेमोरी थी डेटा उसके बाहर जा रहा है। ठीक है, तो वहां पे एक एरर थ्रो करेगा। कौन सा एरर थ्रो करेगा, स्टैक ओवरफ्लो एरर थ्रो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस एरर्स को हैंडल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मशीन से रिलेटेड एरर है, हार्डवेयर से रिलेटेड का एरर है। ठीक है, सेकंड आता है वर्चुअल मशीन एरर। वर्चुअल मशीन एरर में क्या होगा कि मान के चलिए हमने जावा का एक एप्लीकेशन बनाया है और वहाँ पे JVM इंस्टॉल है, मतलब मीन्स हम लोग जो JDK JRE हम लोग इंस्टॉल करते हैं वो अच्छे से इंस्टॉल है। अगर मान के चलिए कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया, ठीक है, हमारे एप्लीकेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन उस वायरस के कारण वो JRE या फिर JDK में कुछ प्रॉब्लम आ गया, वहाँ की एक आध फाइल्स जो है वो डिलीट हो गई, ठीक है, या फिर करप्ट हो गई, या फिर जो वर्चुअल मशीन की मेन फाइल्स है वो रन नहीं कर रही, या जो पाथ हमने सेट किया है वो पाथ जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग जो इंस्टॉल करके रखे हैं जावा, ठीक है, हमने सी ड्राइव में किया, ठीक है, कभी कभी होता है कि किसी कारण से हम लोग गलती से उसको अनइंस्टॉल कर दिए, फिर नेक्स्ट बार इंस्टॉल किया तो हम लोग दूसरे ड्राइव में कर दिए। ठीक है, तो इस प्रकार के भी वहाँ पे एरर आते हैं रन टाइम पे। ठीक है, हमने आज कंप्यूटर में सक्सेसफुली वो एप्लीकेशन को चलाया, काफ़ी दिन तक अच्छा चला। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, सडनली कुछ भी हो सकता है, हम लोग कभी इंटरनेट यूज़ करते हैं, कुछ भी हो सकता है, वायरस वगैरह आ सकते हैं। ठीक है, ये सब टेक्निकल चीज़ें, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उस केस पे अगर वर्चुअल मशीन एरर आता है, मीन समझ जाना है कि हम लोग को कुछ जावा JVM से रिलेटेड वहाँ पे कुछ एरर है, मीन्स उसको कंपाइल बराबर नहीं कर पा रहा है और
वो एग्जीक्यूट भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि एग्जीक्यूट होगा तो जेवीएम में ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो एरर होते हैं वो वर्चुअल मशीन एरर है, इसको भी हम लोग हैंडल नहीं कर सकते, हम लोग रन टाइम पे इसको हैंडल नहीं कर सकते, हम लोग को जावा वापस से इंस्टॉल करना पड़ेगा तभी वो सही से रन कर पाएगा, ठीक है। अब थर्ड एरर है यहाँ पे आउट ऑफ मेमोरी एरर। देखो आउट ऑफ मेमोरी एरर जो है दो तरीके से आ सकता है। सबसे पहला, ठीक है, या तो हमारे जो एप्लीकेशन है उसमें डेटा बहुत सारे हो जाए, मीन्स डेटा इतने ज़्यादा हो जाए कि हार्ड डिस्क भी फुल हो गया, वो डेटा प्रोसेस भी नहीं कर पा रहा है, मीन्स वहाँ रैम भी हमारे पास कम है, ठीक है, मीन्स प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों को ही पूरा का पूरा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो नए डेटा स्टोर हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मान के चलो कोई भी हम लोग एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, हमने 5 साल पहले वो एप्लीकेशन लगाया था कंप्यूटर में, तब से वो आज तक चल रहा है, ठीक है। अब 5 साल में वो मान के चलो कि हमारे पास 1 TB का मेमोरी स्पेस था और 2 GB का रैम था, ठीक है, तो 1 TB क्या हुआ, पूरा का पूरा 1 TB हमने फुल कर दिया, ठीक है, कोई भी स्पेस नहीं बचा कि एक नया डेटा भी वहां इंसर्ट कर पाए, ठीक है, कोई भी वहां पे मेमोरी स्पेस नहीं बची है। तो वो क्या करेगा, वहां पे पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी यूज करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, वो क्या करेगा, सेकेंडरी स्टोरेज भर गया, प्राइमरी में स्टोर करो, प्राइमरी में भी अब उसको एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए मेमोरी चाहिए, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए मेमोरी चाहिए, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिसको रन करने के लिए मेमोरी अलोकेट किए जाते हैं। तो सबसे पहले उस एप्लीकेशन को देगा, डेटा को सबसे बाद में बचा कुचा देगा, ठीक है, तो उस केस पे ना हमारा एप्लीकेशन अच्छे से चल पाएगा, ना डेटा स्टोर हो पाएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो वहाँ पे एट पॉइंट वहाँ पे एक एरर हम लोग को देखने मिलेगा, आउट ऑफ मेमोरी एरर। वो एप्लीकेशन क्या करेगा, एक एरर थ्रो करने लगेगा, आउट ऑफ मेमोरी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, एरर को कैटेगराइज कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। एरर जो होता है मशीन से रिलेटेड एरर होता है, ठीक है, जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन भी यूज़ करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन में क्या होता है, कभी कभी हम लोग पूरा डेटा भर देते हैं, ठीक है, 32 GB का हमारे पास स्पेस है, 32 GB पूरा भर दिए, ठीक है, कोई नया एप्लीकेशन वहाँ इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इंस्टॉल ही नहीं होता है, आउट ऑफ मेमोरी बताता है, लो मेमोरी बताएगा, ठीक है। तो वो सारे एरर्स हैं, हम लोग उसको कैसे हैंडल करते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ डेटा डिलीट करेंगे, ठीक है, मेमोरी स्पेस खाली करेंगे, ठीक है, तब कहीं जाके वो चलेगा, या फिर जो हमारा डेटा है उसको हम लोग कहीं और बैकअप ले लिए, ठीक है, कैसे हम लोग क्लियर किए, इस प्रकार के जो टेक्निक्स होते हैं, ठीक है, उससे हम लोग इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरर यहाँ पे हम लोग को देखने मिल रहा है, एरर जो क्लास है वो जनरली सिस्टम रिलेटेड एरर्स होते हैं, मीन्स वो एप्लीकेशन रिलेटेड नहीं है, वो सिस्टम रिलेटेड एरर्स है, कि कंप्यूटर में अगर कोई एरर आता है या फिर लैपटॉप में कोई एरर आता है तो हम लोग उसको कैसे कैटेगराइज करके वहां थ्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है।